मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक 40 साल की जिमनास्ट टीचर अनीता को दिखाया जाता है। अनीता एक स्कूल में जिमनास्ट टीचर का जॉब लेती है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। इसके बाद अनीता क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर वो स्टूडेंट से अपने बारे में कुछ कहने को कहती है। और तभी उन स्टूडेंट्स में से एक लड़का जिसका नाम मार्कस है, वो कहता है मेरे पास सबसे बड़ा डिग है। ये सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। मार्कस की इस हरकत से अनीता समझ जाती है कि वो कैसा लड़का है। फिर उसी रात अनीता अपने हस्बैंड हासे और दो बेटियों के साथ डिनर करती है। फिर रात को अनीता हासे के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन हासे मना कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच की फिजिकल रिलेशन ठीक नहीं है। फिर अगली सुबह अनीता जॉगिंग करने के लिए बाहर जाती है तो वहां उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद वो घर आ जाती है और तभी घर के बाहर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम आज जॉगिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये पढ़ने के बाद अनीता को समझ नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है। फिर इसके बाद वो स्कूल जाती है जहाँ वो देखती है कि मार्कस किसी के साथ लड़ाई कर रहा है। फिर अनीता मार्कस को छुड़ाती है और इस लड़ाई में मार्कस को थोड़ी चोट भी लग जाती है तो अनीता उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। और जब अनीता ऐसा कर रही होती है तो मार्कस उसे सिड्यूस करके उसके क्लोज आने की कोशिश करता है और दोनों किस करने ही वाले होते हैं। तभी वहां पर एक स्टूडेंट आ जाता है जिससे दोनों किस नहीं कर पाते, जिसके बाद अब अनीता मार्कस से अट्रैक्ट होने लगती है और वो मार्कस के सोशल मीडिया पर उसे स्टॉक करती है। इसके बाद वो उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। ये मैसेज पढ़कर मार्कस अनीता को अपना डिक पिक भेजता है, जिसे देखकर अनीता हंसने लगती है। फिर अगले दिन मार्कस के पेरेंट्स स्कूल आते हैं क्योंकि मार्कस ने पिछले दिन किसी से लड़ाई की थी। और जब अनीता मार्कस के माँ से मिलती है तब मार्कस की माँ उसकी पुरानी दोस्त निकलती है। फिर इसके बाद अनीता उन्हें बताती है कि मार्कस की इस हरकत से वो स्कूल की ट्रिप पर नहीं जा सकता। इसके बाद मार्कस उससे अपनी गलतियों के लिए सॉरी कहता है। और जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तब मार्कस अपने पैरों से अनीता के पैरों को टच करके उसे सिड्यूस करने लगता है। इससे अनीता थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील करती है और वो मीटिंग को जल्दी खत्म कर देती है। फिर स्कूल के बाद अनीता जब अपने कार में होती है तब मार्कस उसकी कार में आ जाता है और यहाँ दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। और अब से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और ये दोनों अक्सर मिलकर इंटीमेट होना चालू कर देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और अब मार्कस अनीता के साथ बोर हो जाता है। फिर एक बार जब अनीता मूड में होती है तब वो मिलने के लिए मार्कस को मैसेज करती है तो मार्कस कहता है कि उसे आज मैच खेलने जाना है। फिर अनीता मार्कस का सोशल मीडिया चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो किसी दूसरी लड़की के साथ है। इसके बाद अनीता मार्कस के घर जाती है और मार्कस की माँ से मिलती है। यहाँ पर अनीता के और भी दोस्त होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मार्कस अपने घर आता है और वो अनीता को अपने घर देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मार्कस अनीता से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर मार्कस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनका बुक क्लब ज्वाइन किया है। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है और फिर अनीता भी बाथरूम का बहाना बनाकर बाथरूम के अंदर आ जाती है और यहाँ बाथरूम के अंदर दोनों मेकआउट करते हैं। फिर अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं आता और अनीता को पता चलता है कि वो बीमार है, इसलिए वो उसे मैसेज करती है तो मार्कस कहता है कि वो बीमार है और इसी वजह से वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आएगा। इसके बाद अनीता जब अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में होती है तो वहाँ भी अनीता मार्कस को बहुत बार कॉल और मैसेज करती है पर वो उसको रिप्लाई नहीं करता। और अब अनीता खुद को रोक नहीं पाती और इसलिए वो खुद ही मार्कस के घर आ जाती है और वहाँ पहुँचकर उसे मार्कस की माँ से पता चलता है कि मार्कस मैच खेलने गया है। ये सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस उससे झूठ बोल रहा था। फिर इसके बाद अनीता मार्कस से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो। फिर मार्कस अनीता को कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम एक कपल हैं। ऊपर से तुम एज में मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी हो। फिर वो अनीता को बताता है कि वो मीना को डेट कर रहा है। मीना मार्कस की ही क्लासमेट होती है। वो अनीता से बहुत रूडली से बात कर रहा होता है। ये सब देखकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस ने बस उसे यूज किया है और अब अनीता उससे बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती है। अब उससे मीना को देखकर बहुत जलन होने लगती है, इसलिए वो एक बार मार्कस के फोन से मीना की न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। और जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तब वो बहुत रोती है और तभी अनीता उसका फायदा उठाती है और वो मीना से कहती है कि ये काम मार्कस का ही है और वो अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर इसके बाद अनीता मीना और मार्कस को एक साथ उसके घर पर देखती है तो वो समझ जाती है कि इन दोनों ने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया। दरअसल मार्कस ने मीना को कन्विंस कर लिया होता है कि उसने न्यूड पिक्चर को वायरल नहीं किया
और अब मार्कस और मीना को साथ देखकर अनीता गुस्से से पागल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है। इसके बाद वो मार्कस से मिलने ग्राउंड जाती है, जहाँ मार्कस उसे देखकर परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके बाद अनीता मार्कस से कहती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर मार्कस पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और फिर दोनों कार में जाकर बातें करते हैं। अनीता उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे कॉल्स और मैसेजेस का रिप्लाई देते रहना। इसके बाद अनीता फिर से कार के अंदर मार्कस के साथ मेकआउट करती है। दरअसल अनीता ने मार्कस से झूठ बोला था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने झूठ इसलिए बोला होता है कि वो मार्कस को ब्लैकमेल करके उसके साथ रह सके। और फिर अगले दिन अनीता का हस्बैंड कहीं बाहर जाने वाला था, तो अनीता मार्कस को घर आने को कहती है ताकि दोनों साथ मजे कर सके। लेकिन जब वो घर आती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड घर पर ही होता है और तभी घर की डोरबेल बजती है, तो अनीता डर जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्कस अब उसके घर आ चुका था। और जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि बाहर मार्कस की माँ खड़ी थी। मार्कस की माँ को मार्कस और अनीता के अफेयर के बारे में पता चल चुका था और इसलिए वो उसे बहुत सुनाती है और उसे मार्कस से दूर रहने को कहती है। जिसके बाद अनीता घर से चली जाती है और वो एक होटल में रुकती है। फिर दूसरे दिन जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसका बैग पैक करके बाहर रखा है। फिर वो दरवाजा खटखटाती है लेकिन उसका हस्बैंड दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो वहां से अपना बैग लेकर चली जाती है। और अब पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और इस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर स्कूल से बाहर निकलकर वो मार्कस से मिलती और यहाँ हमें पता चलता है कि मार्कस ने ही अपनी माँ, पूरे स्कूल और अनीता के हस्बैंड को अपने और अनीता के अफेयर के बारे में बताया था और उसने सबको ये भी बताया कि अनीता उसे ब्लैकमेल भी कर रही है। उसके पास सिर्फ यही एक रास्ता बचा था कि वो अनीता से अपना पीछा छुड़ा सके। और फिर लास्ट सीन में हमें अनीता को एक बेंच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और अब वो पूरी तरह से अकेली है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।